आज हम देखेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 6, धातु एवं मिश्र धातु, मेटल्स एंड एलॉयज। इसका टॉपिक है अपना 6.1, धातु कर्म के सामान्य सिद्धांत एवं मुख्य पद। बहुत ही संक्षिप्त में हम देखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनके कौन सी टर्म्स यूज होती हैं मेटलर्जी में, है ना। तो धातु कर्म क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा या हमें जानना पड़ेगा कि खनिज क्या होते हैं। आपने नाम तो सुना ही है कि मिनरल्स या खनिज। अब खनिज को कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रकृति में पाए जाने वाली धातुओं के अधिकांश यौगिक जो होते हैं, जो नेचर में मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? कि जिन खनिज पदार्थों से धातुएं हम आसानी से निकाल सकते हैं, कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। तो बच्चों, खनिज क्या हुआ? कि जो नेचर में धातु ऑक्साइड्स के रूप में या यौगिकों के रूप में मिलती है ना, उसको तो हम खनिज कहते हैं। और जिन खनिज पदार्थों से धातुएं आराम से हम सुगमता से आसानी से निकाल सकते हैं कम खर्च पर, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। तो धातुओं के यौगिक जो कि नेचर में मिलते हैं, उनमें क्या होता है? उनके साथ रेत, कंकर, पत्थर, अवांछित पदार्थ आदि मिले रहते हैं। तो ये इन सब का ये संयुक्त रूप में होते हैं, मतलब धातु के जो ऑक्साइड्स नेचर में मिलेंगे उनके साथ के साथ हमें और क्या मिलेगा? जो सिलिका है, सैंड है, पत्थर है ना, और गैंग है, अवांछित पदार्थ जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो अयस्क क्या होते हैं? धातुओं के यौगिक जिनमें कि ये भी अशुद्धियां शामिल हैं। तो किसी भी अयस्क को धातु के निष्कर्षण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो भी अनवांटेड पदार्थ हैं, गैंग यानी अवांछित पदार्थ हैं, उनको अलग करना पड़ता है। तो अयस्क में से धातु हम प्राप्त करें वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटलर्जी या धातु कर्म। समझ गए बच्चों? ओर में से मेटल को निकालना, मेटल्स को प्राप्त करना, दिस इज मेटलर्जी या धातु कर्म। अब ये धातु कर्म प्रोसेस या मेटलर्जी, यानी हम अयस्क में से धातु को किस तरीके से प्राप्त करेंगे, है ना, वो प्रोसेस जो है वो निर्भर करता है कि ओर की नेचर क्या है, यानी अयस्क की प्रकृति क्या है, उसमें उपस्थित जो गैंग है, अवांछित पदार्थ हैं, उनकी नेचर क्या है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से चरणों में ये मेटलर्जी होती है। सबसे पहला चरण होता है ड्रेसिंग, मतलब अयस्क का प्रसाधन करना पड़ता है, उसको हमें धोएंगे ताकि सारी मिट्टी वगैरह निकल जाए। सेकंड प्रोसेस होता है उसका कंसंट्रेशन या सांद्रण किया जाता है। अब उसका सांद्रण या कंसंट्रेशन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग प्लवन विधि, रासायनिक विधि, है ना। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन के बाद थर्ड स्टेप हमारा होता है कि जो हमें कंसंट्रेट अयस्क मिले हैं, है ना, उनको हम क्या करें? ऑक्साइड में चेंज करें। और ऑक्साइड में चेंज करने के लिए दो विधियां अपनाई जाती है, भर्जन या निस्तापन, यानी कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। जब हम ऑक्साइड्स में चेंज कर देते हैं फिर इनकी स्मेल्टिंग की जाती है, यानी प्रगलन किया जाता है। और प्रगलन जो है वो कार्बन द्वारा भी किया जा सकता है, एल्यूमिनियम द्वारा भी किया जा सकता है, या इनका स्वतः अपचयन भी होता है, विद्युत अपचयन द्वारा किया जा सकता है, धातु विस्थापन द्वारा अपघटन किया जाता है, अपचयन किया जाता है। और लास्ट जो स्टेप होती है वो शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जो कि हम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन से कर सकते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा कर सकते हैं। तो शॉर्ट में आप देखिए आपने क्या करा, हमें अयस्क मिला। अयस्क क्या था? वो धातु के ऑक्साइड्स, है ना, जो कि नेचर में मिलते थे, उनको हमने क्या करा? उनका पाउडर बनाया। पाउडर से फिर हमने क्या करा?
ये चुंबकीय विधि, गुरुत्वीय विधि, झाक प्लवन विधि, रासायनिक विधि, ये किसकी विधियां हैं? इधर देखिए, कंसंट्रेशन मेथड है। तो इस कंसंट्रेशन से हमें क्या मिलेगा? इन मेथड से कंसंट्रेट या सांद्रित एस्क मिलेगा, उसका भर्जन या निस्तापन किया जाता है जिससे हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, ऑक्साइड्स का प्रगलन किया जाता है जिससे अशुद्ध धातु मिलती है, और अशुद्ध धातु का फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा अपघटन करते हैं जिससे हमें शुद्ध धातु मिलती है। इस प्रकार से ये जो है धातु कर्म प्रोसेस या मेटलर्जी प्रोसेस, बहुत से हमने संक्षिप्त में आज देखा। थैंक यू।